मैं हूँ यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं राजधानी लखनऊ के विधानसभा बख्शी तालाब में एक रजौली गांव पड़ता है वहां पर गया था। वहां से लोगों मिलने के बाद में मैं इधर गुजरा तो देखा यहां पे कुछ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, वोट मांग रहे हैं। तो हमने कहा इनसे भी मालूम करते हैं कि जो मतदाताओं के बीच में जाते हैं तो बसपा सरकार की कौन सी उपलब्धियाँ गिनाते हैं जिसके आधार पर वोट मांगते हैं। हमारे बीच में कार्यकर्ता मौजूद हैं, आइए मिलवाते हैं। सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशाराम रावत है। मैं बहुजन समाज पार्टी से जिला सचिव हूं और माननीय बहन जी के आदेश से मुझे विधानसभा बख्शी तालाब में लगाया गया है। जनाब सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब के लिए कैंपेनिंग कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ भी जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं वर्तमान की, लेकिन हमारे प्रत्याशी जनाब सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब की तीन चीज़ों पे विशेष फोकस है, शिक्षा, रोज़गार और नौकरी। ये नौकरी और रोज़गार में दोनों चीज़ों में अंतर है, वो आपको मैं डीपली में बताऊंगा। तो पहली चीज़ है शिक्षा। हमारे समाज में शिक्षित लोग जो हैं, पूंजीपति लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, हमारे गरीब तबके के लोगों को बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। इसके लिए जनाब सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब का कहना है कि हर सेक्टर में एक प्राइवेट स्कूल होगा जिसमें हमारे सभी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और इसके साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि जो पढ़े लिखा समाज है इस विधानसभा के अंदर, बख्शी तालाब विधानसभा के अंतर्गत जो भी पढ़ा लिखा समाज का व्यक्ति है, गरीब तबके का व्यक्ति है या जो भी समाज का व्यक्ति है, उनको रोज़गार देना उनकी प्राथमिकता है और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। और पूरे विधानसभा में हमारे बड़े भाई जनाब सलाहुद्दीन सिद्दीकी साहब को जन समर्थन मिल रहा है। माताएं, बहनें, यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे लोग जो है मुशन भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत तो हमारी है ही, हम बहुत भारी मात्रा में इस विधानसभा को जीतने जा रहे हैं। और इस बहुजन समाज पार्टी के विधायक जनाब सलाहुद्दीन सिद्दीकी साहब को बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, हम अगले कार्यकर्ता से मिलते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सर अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप बताइए, जब जनता के बीच में जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के कौन से कार्यकालों का आप जिक्र करते हैं, कौन से कामों को बताते हैं? सर, हम ये बताते हैं बहन जी के कामों का कि उनका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, अधिकारी टाइम से आते थे और उनमें पक्षपात नहीं था जो आजकल की सरकार में है। आजकल की सरकारें क्या करती हैं, जैसे उसका कार्यकर्ता हुआ तो वो कहीं भी कुछ कर दिया, उसने सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ, हाँ सत्ता पक्ष से जुड़ा है, कहीं कुछ कर दिया तो वो टीवी में सब कहीं चल रहा है कि हाँ ये आदमी जो है वो पीड़ित है। लेकिन वो अगर सत्ता पक्ष का अगर उसने वो गलत काम किया है तो उसके उसको बचाने में सरकारें और वहाँ के सब लोग लग जाते हैं, लेकिन बहन जी ऐसी नहीं थी। बहन जी वो नेता हैं जिन्होंने अपने एक सांसद को, जिस दिन वो मुख्यमंत्री बनी थी एक महीने के अंदर, अपने कार्यालय से गिरफ्तार करवाया था। वो ऐसी नहीं है, पक्षपात उनमें नहीं है, इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। चलिए, हमारे बीच में अगले कार्यकर्ता मुझे, सर आपका क्या नाम है? हमारा रामचंद्र गौतम नाम है जी। हम अमराई गांव सेक्टर से अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के जी। और बहन जी का शासनकाल तो सभी लोग जानते हैं, उनमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं और सभी लोगों को अपने जो है साथ लगा के रखती हैं और सबका जो है सम्मान करती हैं, सबका इज्जत करती हैं। और ये रही राजनीति की बात, तो शिक्षा में और रोज़गार में और सम्मान में और सार्वजनिक सम्मान में, ये सब उनका जो है विशेष योगदान रहता है। और हमारी बहन जी जो है इस बार पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दशरथ लाल जी है जी। मैं प्रतापगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ, इस समय मैं भट्टे पर काम करने आया हूँ। हमारे यहाँ के सुशील कुमार गौतम बाबागंज विधानसभा लगता है जी। वो इस समय विधायकी पर खड़े हैं जी। और मैं ये सोचता हूँ कि भगवान करे मायावती की सरकार बन जाए। मैं 5 साल पहले से जुड़ा हूँ बहुजन समाज पार्टी से, अपने यहाँ का बूथ अध्यक्ष भी हूँ मैं भी, और सर मैं इससे आगे नहीं बोलूँगा कुछ। सर आपका क्या नाम है? हमारा लाल जी गौतम नाम। लाल जी गौतम जी, आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी के कुछ
कार्यकाल में जो विशेष रहा हो विकास या कानून व्यवस्था के संबंध में? बहन जी, अच्छा काम किया अपने सरकार में और अच्छा काम का करते रहेंगी। अफसला बहन जी की सरकार प्योर आएगी और मोशन में हमारे बीकेटी विधानसभा से बहुत विजय वोटों से विजय होंगे। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच में अभी एक कार्यकर्ताओं ने जो ये बताया कि जो सत्ता पक्ष का होता है उसको सरकार बचाने का काम करती है, इन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, जबकि हकीकत यह है कि हाथरस कांड में जो आरोपी थे उन्हीं को बचाने के लिए धरना आंदोलन कई संगठन कर रहे थे, कई खापे वहाँ पे पंचायत करके उसको बचाने का काम कर रही थी, लेकिन हमारे न्यायालय महोदय ने अपनी निष्पक्ष जांच करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की, वो जेल में और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुए। वास्तव में आपने जो ओपन नहीं किया लेकिन जो अपराधियों को बचाने का काम हुआ उसी घटना से एक पूरी तरीके से उदाहरण मेल खा रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने रास्ते में रोक करके हमने व्यवधान किया, वो आप लोगों से पूरी बाली यूपी राजधानी से केशव गौतम, नमस्कार। जनाब सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, जिंदाबाद।